अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रवि नंदन सराहे की 69वीं जयंती राष्ट्र नेतृत्व के निर्देश अनुसार मथुरा के जिलाधिकारी द्वारा जिला अध्यक्ष श्री मनोज कुमार सक्सेना की अगुवाई में संकल्प दिवस के रूप में वृक्षारोपण के साथ आयोजित किया गया। गोविंद नगर सेक्टर सी के गोविंद शेर महादेव मंदिर के पार्क में विभिन्न प्रजातियों के पौधों को रोपित किया गया एवं मंदिर के पावन प्रांगण में जिला इकाई के उपस्थित सभी सदस्यों ने स्व श्री रविनंदन सहाय के स्वप्नों को साकार करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में जिला प्रभारी श्री संजय सक्सेना ने कहा कि कायस्थ रत्न इस अवसर पर श्री कृष्ण नंद राय सहाय के सुपुत्र एवं श्री रविनंदन सहाय जी के AVKM के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जो समाज सेवक से उसे बुलाया नहीं जा सकता उन्हें कायस्थ महासभा के ऐसे समस्त में बुलंदियों तक पहुंचाया जब देश में उनके महाकांक्षी व्यक्तित्व समाज के विघटन का ताना बाना बुनकर अपने निजी स्वार्थ को अंजाम देने में मशहूल रहे परंतु समाज सेवा का ताज भी उसके मस्तक पर शोभायमान होता है जो निश्चल भाव विचारों के साथ जनसेवा का संकल्प लेकर आगे बढ़ता है। श्री सहाय जी ने स्वयं समाज की नहीं देश की आर्थिक प्रगति एवं समाज के उत्थान को भी समझा है। प्रोग्राम रखा है ये जगह जगह और भी कहीं रखा है या यहीं पर ही है और कहाँ कहाँ होगा? पहले कई जगह हो चुका है। हमारे इसके पदाधिकारी हैं उन्होंने किया है। आज पर्यावरण शुद्धिकरण के लिए वृक्षारोपण बहुत ही आवश्यक है और हमारी अखिल भारतीय काय समाज के महासभा के लोगों ने तो निर्णय लिया है वृक्षारोपण का। ये बहुत ही उपयोगी और श्रेष्ठ कार्यक्रम है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ और ये कार्यक्रम आगे भी बढ़ाते रहेंगे ये मेरा विश्वास है।